चौरी चौरा पुलिस ने बैरियर चेकिंग के दौरान 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को NH-28 से बिहार ले जा रहे 38 गोवंश को बरामद किया गया है। जब चेकिंग के दौरान ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस बल पर फायर करते हुए व बैरियर तोड़ते हुए गौ तस्कर ट्रक लेकर भागने लगे। तब पुलिस टीम द्वारा समुडीहा कट पर जाम लगाकर दोनों ट्रकों को रोक लिया गया, जिसमें से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान दानिश पुत्र राशिद निवासी संभल हेड़ा थाना मीरापुर मुजफ्फरनगर, दूसरा जान मोहम्मद पुत्र थोड़े निवासी महाराजगंज तराई थाना महाराजगंज बलरामपुर, तीसरा अनीश पुत्र शहजाद निवासी महाराजगंज थाना महाराजगंज बलरामपुर के रूप में हुई है, जिनके 2 ट्रक से 38 गोवंश पशु बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि 3 अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चौरी चौरा थाना प्रभारी सुबोध कुमार, चौकी प्रभारी सोनबरसा प्रदीप शर्मा, उप निरीक्षक मदन मोहन मिश्रा, प्रदीप कुमार सिंघज, एसओजी प्रभारी चंद्रभान सिंह, स्वाट टीम प्रभारी अरुण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल राम इकबाल राव, राशिद सनातन सिंह, राजमंगल सिंह, कांस्टेबल रणवीर प्रताप सिंह, प्रदीप कुमार सहित इंद्रेश वर्मा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, कल रात में चौकी प्रभारी सोनबरसा और स्वाट टीम एसओजी टीम संयुक्त रूप से चेकिंग कर रहे थे। उसी समय मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर 2 ट्रकों में पशुओं को लेके आ रहे हैं। इस पर इनके द्वारा वहाँ घेराबंदी की गई, ट्रकों को रोका गया तो वो फायरिंग करते हुए और बैरियर तोड़ के भाग निकले। इस पर इन लोगों ने अतिरिक्त फोर्स के साथ आगे जा करके जाम करके रास्ते को और 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की, जिसमें से 3 भाग निकले। उनके पास से 38 गोवंशीय पशु बरामद किए गए, जिनको मेडिकल करा के और गौशाला में भेजा गया। उन पे अभी तो गोवध अधिनियम के अंतर्गत और जो धाराएं बनती हैं IPC की, उनके अंतर्गत कार्रवाई होगी, किंतु सभी की गिरफ्तारी के बाद गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी।